नमस्ते, आपका विद्या किचन में स्वागत है। आज हम बनाते हैं रोटी से आदि में आइसक्रीम बनाना, आपको बताते हैं। गर्मी के मौसम में जब बच्चे को खाने का मन हो झटपट बनाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम छोटा वाला फ्रूटी लिए हुए हैं, आपको बड़ा लेना है तो बड़ा ले सकती है, हम छोटा ही ले रहे हैं। एक गिलास दूध लिए हुए, मिल्क पाउडर है और चीनी है। गुनगुना दूध लिए, थोड़ा सा ठंडे दूध में घोलेंगे, अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, इसलिए हम थोड़ा सा गुनगुना चाहिए। इसे मिल्क पाउडर डाल देंगे, मिल्क पाउडर इसलिए डाल रहे हैं हम, गाढ़ा हो जाएगा मेरा आइसक्रीम, अच्छे स्वाद भी आएगा, बच्चे को खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बार बार मांगेंगे यही थी। इसमें दूध घुल चुका है, तो कोई भी लम्स नहीं डालना चाहिए। गुनगुना दूध में घोलने से बहुत जल्दी घुल जाती है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। हम 4 चम्मच चीनी डालेंगे, आप अपने अनुसार कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी ले सकती हैं। हम 4 चम्मच चीनी लिए हैं, इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। मैं चीनी घुल चुका है, अच्छी तरह से ठंडा हो गया, ठंडा हो जाएगा तभी आप डालिएगा, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। इस तरह चीनी घुल चुका है, आप इस जगह पे अगर चीनी पाउडर डालना चाहिए तो चीनी पाउडर भी डाल सकती हैं। अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब हम रोटी डालेंगे। जब ये आपका ठंडा हो जाएगा तभी ये डालिएगा। अब फ्रूटी को हम डाल रहे हैं, इसमें आधा डालेंगे, आधा मैश कर लें, थोड़े धीमे धीमे हम डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से देखिए फ्रेंड कितना गाढ़ा हो गया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए मिल चुका है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। 1 गिलास दूध हम डालेंगे, नॉर्मल है, एकदम बिल्कुल ठंडा है, गर्म दूध नहीं डालेंगे हम। देखिए मेरा सब घुल चुका है, अब इसको हम गिलास में सर्व करेंगे। अब ये हम गिलास में रखेंगे, हमें इस टाइप का गिलास ले रहे हैं। आप इसके जगह में आइसक्रीम का साँचा होगा उसमें भी डाल सकती हैं, और कांच के गिलास में भी डाल सकती हैं, अच्छी तरह से जम जाएंगी। हम इसमें सब डालेंगे, देखिए फ्रेंड हम सब गिलास में डाल लिए हैं। अब इसको हम सिल्वर पेपर से ढक देंगे इस तरह। आपके पास सिल्वर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक, कोई अल्मीनियम पेपर लगा सकती हैं। इस तरह लगाने से बर्फ नहीं जमेगी। सिल्वर पेपर लगा दिए, अब इस पर रबड़ लगा लेंगे, तो ऐसे में बहुत बढ़िया बन के निकल के तैयार हो जाएगी। इस तरह हम सब कुछ कप में सिल्वर पेपर लगा के हम रख देंगे। हम सारे सिल्वर पेपर लगा चुके हैं, फिर हम कट लगाएंगे बीच में। देखिए सारे हम कट लगा चुके हैं, इसमें इस तरह आइसक्रीम स्टिक डालेंगे हम। इस तरह आसानी से निकल जाएंगे। बच्चे को जब आइसक्रीम खाने का मन करता है ट्रे में बना के खिलाते हैं। अब इसको हम फ्रीजर में हम रख देते हैं 6 घंटा के लिए, ओवरनाइट भी रह सकती हैं। देखिए फ्रेंड मेरा आइसक्रीम तैयार हो गया है, अब हम आइसक्रीम अपना निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड मेरा आइसक्रीम जम चुका है अच्छी तरह से, हम इसको अच्छी तरह से निकालेंगे इस तरह। देखिए मेरा आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गया, 6 घंटा हम रखे थे, जम गई है, गैस जलाने के कोई झंझट नहीं, आराम से बन गई है। अब सारे हम पैकेट निकालेंगे बिना पकाए, ये देखिए झटपट बन के तैयार हो गया है। अब आइसक्रीम का मजा लीजिए, जब बच्चे को खाने मन हो तब इस तरह बनाइए, खाइए।